हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। टुडे वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन द थर्ड लेबल। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट पार्ट और इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि कैसे जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो हेलुसिनेशन का शिकार होकर के उसे थर्ड लेबल मिलता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, और साथ ही साथ वहाँ पे वो विंडोज़ देखता है, ओल्ड फैशन ड्रेस देखता है और ओल्ड करेंसी देखता है, ये सारी चीज़ों को वो देखता है। हाउएवर चार्ली वॉज नॉट श्योर दैट ही वॉज़ इन थर्ड लेवल अर्लियर, बट वेन ही सॉ मैनी थिंग्स, जिस तरह से वो चीज़ों को देखता है, जैसे मैंने बताया कि विंडो छोटे हैं, लकड़ी का बना हुआ टिकट बूथ है, ये सारी चीज़ों को देखता है तो वो कन्फर्म हो जाता है। एंड एज वेल एज ही सॉ द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में जो डेट प्रिंटेड था वो 1894 का था, इसलिए वो कन्फर्म हो जाता है कि हम थर्ड लेवल में आ गए हैं। वेन चार्ली वेंट टू द टिकट बूथ एंड ही आस्क फॉर टू टिकट्स टू गर्ल्स वर्दी, तो वहाँ पे वो देखता क्या है कि ओल्ड करेंसी है, ये करेंसी नहीं चलेगी, तो फिर से वहाँ से भाग के निकलता है और एक्सचेंज करके डॉलर्स को ओल्ड करेंसी में, और जब फिर से जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तो इस बार उसको थर्ड लेवल वहाँ नहीं मिलता, नहीं दिखाई देता है। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। जस्ट आई वांट टू रिकैप्चुलेट व्हाट एवर वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो एंड इन दिस करंट वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर मोर, इसके आगे की कहानी को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, कि कैसे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुँचने के बाद और उसको ये बता रहा है कि जब जब भी मैं वहाँ पहुँचता हूँ मैं खो जाता हूँ, इतना बड़ा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। वो एक पेड़ को कंपेयर करते हुए वो बताने की कोशिश किया है कि कैसे कॉरिडोर, विंडोज, स्टेयर्स जो पेड़ के रूट्स की तरह हैं, जो ऐसा लगता है जैसे पेड़ जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी बढ़ रहा है। लेट्स स्टार्ट द करंट वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इंडोर्स माई चैनल so that you can get the notification for the latest and upcoming videos. तो अब आगे हम लोग देखते हैं। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out a new corridors and staircases like roots. अब चार्ली यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता है। वो कहता है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये पेड़ की तरह बड़ा हो रहा है। हर दिन जो है पेड़ जिस तरह से बड़ा होता है उस तरह से ये बड़ा हो रहा है, ठीक है, इसके कॉरिडोर्स, इसके स्टेयरकेस बिल्कुल जड़ों की तरह फैले हुए हैं। यानी एक तरह से वो सिंबल लिया है पेड़ का, वो बताना चाहता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो काफ़ी बड़ा है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि देर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल that nobody knows about filling its way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park. वहाँ पे कह रहा है कि हो सकता है संभवतः एक बहुत लंबा टनल हो वहाँ पे जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो, ठीक है, और साथ ही साथ वो टनल इतना लंबा हो कि सिटी के अंदर में हो, ठीक है, और उसका जो रास्ता है सीधा टाइम स्क्वायर की तरफ जाए, ठीक है, और दूसरा रास्ता जो है सेंट्रल पार्क की तरफ जाता हो, ये वो बताना चाह रहा है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, बट आई नेवर टोल्ड माय सेक्रेटरी फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, है ना। ये एक इमेजिनेटिव आइडिया और लाइन ऑफ थॉट इसके माइंड में आ रहा है चार्ली के माइंड में। वो कह रहा है कि शायद एक बहुत बड़ा टनल हो शहर के अंदर में हो, ये टाइम स्क्वायर की तरफ निकलता हो या फिर दूसरा एंड जो है वो सेंट्रल पार्क की तरफ निकलता हो, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें जो है अपने फ्रेंड सेक्रेटरीज को नहीं बताया हूँ, मैंने तो सिर्फ उसे ये बोला है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल भी अवेलेबल है। तो उसके दोस्त ने बहुत सारा उसको बताया, थेसिस दिया, एक्सप्लेन किया कि ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं, राइट, जो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। कह रहे द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट
अब जिस कॉरिडोर में वो है, वो कॉरिडोर में चल रहा है यानी टनल में चल रहा है वो, और उस टनल में अब वो थोड़ा थोड़ा लेफ्ट लेने लगा, स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग। तो थोड़ी देर के उसको लगा कि अरे मैं तो नीचे की तरफ जा रहा हूँ और साथ ही साथ मैं लेफ़्ट ले रहा हूँ, तो शायद कहीं मैंने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के टनल में, राइट। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा, लेकिन वो चलता रहा, है ना। वो कहता है कि बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग यानी मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सॉल। और जिस रास्ते पे मैं जा रहा था वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं सुन रहा था, केवल मेरा ही फुट स्टेप जो मैं चल रहा था वही फुट स्टेप सुनाई दे रहा था, और साथ ही साथ एक व्यक्ति भी मेरे साथ में पास नहीं हुआ, यानी ना कोई उधर से आया ना कोई इधर से जा रहा था उस टनल में मैं जहाँ जा रहा था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। इतना ही देर में यानी थोड़ी ही दूर में, थोड़ी दूर चलने के बाद उस तरफ से जिधर मैं जा रहा था वहाँ से उस हॉल से एक तरह का शोर, एक तरह का रोर आवाज़ आने लगी, शोरगुल सुनाई देने लगा। लगा जैसे कि बाहर एक ओपन स्पेस है और लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, ठीक है। द टनल टर्न साफ लेफ्ट, और उसके बाद जो टनल जो है वो लेफ्ट की तरफ था, वो लेफ्ट की तरफ चार्ली मुड़ा। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, वो थोड़ा सा वो मुड़ा और स्टेयर्स की तरफ गया। एंड कैम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जब मैं उस टनल से बाहर निकला तो मैं कहाँ था, मैं था थर्ड लेवल में यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में। अब सवाल यहाँ ये है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि थर्ड लेवल वहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस स्टेशन में दो ही लेवल है, दो ही प्लेटफॉर्म है, कहने का मतलब दो ही फ्लोर है, तो फिर ये तीसरा मैं कैसे पहुँच गया। तो ये बता रहा है कि मैं एक ऐसा टनल में चला गया था जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था, और मैं चलते गया चलते गया चलते गया और थोड़ी दूर में जा कर के मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पहुँच गया, राइट। फॉर जस्ट अ मोमेंट, कुछ देर के लिए आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कुछ देर के लिए चार्ली को ऐसा लगा कि वो सेकेंड लेवल पहुँच गया है। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ों को आपको याद रखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है, कि उसको फर्स्ट टाइम में, इनिशियल टाइम में ऐसा क्यों लगा कि वो थर्ड लेवल है, राइट। तो इसलिए लगा क्योंकि जब वो देखा कि रूम जो है बहुत छोटे छोटे हैं और टिकट विंडोज जो है वो बहुत कम है, और साथ ही साथ उसको ये लगा कि जो इन्फॉर्मेशन बूथ जो होता है वो रूम जो है वो लकड़ी का बना हुआ है और ओल्ड फैशनड है वो, यानी पुराने फैशन के तरीके से बना हुआ है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, राइट। अब वो ये कह रहा है कि जो आदमी था, है ना, आदमी कहाँ था, आदमी जो बूथ में था, वो बूथ वाला जो क्या पहना हुआ है, वो ग्रीन आई सेट पहना हुआ है और साथ ही साथ लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहना हुआ है जो पुराने ज़माने में चलता था, ठीक है। द लाइट्स वर डीम, और जो लाइट है बहुत डीम है, बहुत हल्का लाइट है वहाँ पे, अभी की तरह एकदम स्टेशन में चकाचक लाइट नहीं है। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और कुछ लाइट तो बिल्कुल अप डाउन हो रहा है, फ्लिकरिंग कर रहे हैं, ठीक है। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और तब वो देखा कि वहाँ पे ओपन फ्लेम गैस लाइट क्यों है, यानी गैस की बत्ती जो पुराने ज़माने में प्लेटफॉर्म में आप देखे होंगे मूवी सीरियल में, तो वो पुराने ज़माने वाली बत्ती वहाँ पे क्यों है, ये वो देखा वहाँ पे, राइट। तो आगे की स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि इसके आगे चार्ली के साथ क्या होता है, और चार्ली जो थर्ड लेवल पहुंच गया है तो वो वहाँ और क्या क्या चीज़ें वो देखता है। तब तक आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।